नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। लखीमपुर क्राइम ब्रांच ने तिकुनिया हिंसा मामले में चार और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन चार आरोपियों में घटनास्थल से थार जीप में सवार सुमित जायसवाल जो फरार था वो भी गिरफ्तार हुआ है। सुमित जायसवाल के साथ शिशुपाल, नंदन सिंह और सत्य प्रकाश और सत्यम त्रिपाठी भी गिरफ्तार किया गया है। सत्यम त्रिपाठी की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। अब बात इन में से सबसे अहम किरदार सुमित जायसवाल की। सुमित जायसवाल वो व्यक्ति है जो लखीमपुर का सभासद भी है, आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी हैं उनका बेहद करीबी है और जिस थार जीप ने किसानों को रौंदा उस थार जीप में सवार सुमित जायसवाल था। लिहाजा सुमित जायसवाल चश्मदीद के तौर पर, आरोपी के तौर पर बेहद अहम हो जाता है। इतना ही नहीं, इस लखीमपुर हिंसा मामले में जो दूसरी FIR किसानों के ऊपर या कहा जाए उपद्रवियों के ऊपर जिन लोगों ने पीट पीट कर चार लोगों को मौत के घाट उतारा था, वो FIR भी सुमित जायसवाल की तरफ से लिखाई गई। यानी एक FIR में सुमित जायसवाल आरोपी है तो दूसरी FIR में सुमित जायसवाल वादी। लिहाजा सुमित जायसवाल की गिरफ्तारी एक अहम कामयाबी मानी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक और किरदार जो बेहद अहम हो जाता है वो है सत्यम त्रिपाठी और सत्य प्रकाश त्रिपाठी। यह शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। यह कौशाम्बी का रहने वाला है। 32 बोर की लाइसेंस से रिवॉल्वर बरामद हुई है। सत्यम त्रिपाठी उस वक्त कहा जाए कि जांच के दायरे में आया या लोगों के बीच नाम आया जब एक वीडियो में घायल शख्स कह रहा है कि फॉर्च्यूनर सत्यम त्रिपाठी चला रहा था और यह शख्स कोई और नहीं अंकित दास का करीबी शेखर था, जिसने कहा कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो तो सत्यम त्रिपाठी चला रहा था, प्रयागराज का रहने वाला है। इन तमाम जानकारियों के बाद सत्यम त्रिपाठी की तलाश तेज की गई और जिसका नतीजा था कि आज सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, शिशुपाल और नंदन सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। शिशुपाल और नंदन सिंह अंकित दास के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। शिशुपाल लखीमपुर खीरी का ही रहने वाला है जबकि नंदन सिंह बिष्ट लखनऊ के गाजीपुर इलाके का रहने वाला है और अंकित दास के बेहद करीबी बताया गया है। फिलहाल लखीमपुर क्राइम ब्रांच ने इन चारों को गिरफ्तार कर अब पूछताछ शुरू कर दी है। कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इनसे पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगी जाए। लेकिन इन चारों के बीच में सुमित जायसवाल की गिरफ्तारी लखीमपुर पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग दे सकती है, क्योंकि सुमित जायसवाल इस घटना का न सिर्फ चश्मदीद है बल्कि वो यह भी बताएगा कि आखिर घटना हुई तो हुई कैसे। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।